हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसी क्रम में जो है, इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा था प्रतिवर्ती क्रिया यानी रिफ्लेक्स एक्शन। आज उसी में हम अगला पढ़ते हैं टॉपिक प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्च। देखिए, रिफ्लेक्स आर्च का वर्क जो है वो प्रतिवर्ती क्रिया को ही संपादित करने का कार्य होता है। तो प्रतिवर्ती चाप क्या है, प्रतिवर्ती चाप को आज के वीडियो में समझ लेते हैं, और जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि प्रतिवर्ती क्रिया किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो देखिए, प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग के संवेदी अंग से प्रेरित अंग तक पहुंचने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी जो आपकी प्रतिवर्ती क्रिया है, वो प्रतिवर्ती क्रिया का जो आवेग है वो हमारे संवेदी अंग से प्रेरित अंग तक, यानी संवेदी अंग, क्योंकि सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया हमारे जो संवेदी अंग हैं, जो ग्राही अंग हैं, आपको संवेदी अंग और ग्राही अंग भी बताया था, तो जो संवेदी और ग्राही अंग हैं उनके माध्यम से प्रेरित अंग तक पहुंचते हैं, जिससे कार्यकर पेशियां उस प्रतिवर्ती क्रिया के प्रति यानी क्या करते हैं, क्रिया प्रदर्शित करते हैं यानी रिस्पॉन्स देते हैं। तो संवेदी अंग से प्रेरित अंग तक पहुंचने के मार्ग को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। यानी जो बीच का पूरा रास्ता है, उस पूरे रास्ते में जो जो अंग भाग लेते हैं, उन अंगों को प्रतिवर्ती चाप के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, इसमें निम्नलिखित अंग होते हैं, यानी इतने ये अंग जो है इस प्रतिवर्ती चाप को कंप्लीट करने में भाग लेते हैं। तो सबसे पहले इस पांचों अंग के अनुसार ही हम पूरी इस प्रोसेस को इस प्रतिवर्ती चाप में समझेंगे। देखिए, पहला अंग है ग्राही अंग। ग्राही से तात्पर्य होता है ऐसा अंग जो किसी प्रतिवर्ती क्रिया को ग्रहण करता है या प्रतिवर्ती क्रिया के आवेग को एब्जॉर्ब करता है। तो ग्राही अंग यानी संवेदी अंग या ग्राही अंग, आपको बताए थे संवेदी अंग या ग्राही अंग जो कई प्रकार की संवेदनाओं को जो है, यानी बाहरी वातावरण से आने वाली जो उद्दीपन है, जो संवेदनाएं हैं, उनको ग्रहण करते हैं और ग्रहण करके उनके प्रति जो है रिस्पॉन्स के लिए, उनके प्रति अनुक्रिया के लिए आगे के अंगों को प्रेरित करते हैं। आपके ग्राही अंग आँख, नाक, कान, इस प्रकार से पढ़े हुए थे, जिन्हें सामान्य भाषा में ज्ञानेंद्रियां भी कहते हैं। तो आइए, ग्राही अंग के बाद हमारा जो ग्राही अंग का वर्क है, सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट करते हैं इस डायग्राम पर। देखिए क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स जो लिया गया है वो किसी गर्म वस्तु से छूने का एग्जाम्पल्स लिया गया है। इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हमारा हाथ या शरीर का कोई भी अंग किसी गर्म बर्तन से छूता है, टच कर जाता है, तो क्या होता है कि सेकंडों में यानी बहुत ही कम समय में वो हाथ उस बर्तन से दूर हट जाता है और फिर उसे गर्म या दर्द का आभास होता है। तो यहाँ पर संवेदी अंग जो है, यानी हमारा त्वचा है या हाथ कह सकते हो, ठीक है, जो हाथ है उसके ऊपर जो त्वचा है वो संवेदी अंग है या ग्राही अंग है। इसके बाद संवेदी न्यूरॉन तथा संवेदी तंत्रिका। तो सबसे पहले जो प्रतिवर्ती क्रिया है वो हमारे ग्राही या संवेदी अंग द्वारा जो है एब्जॉर्ब की जाती है, यानी संवेदी अंग द्वारा, ग्राही अंग द्वारा ग्रहण की जाती है। उसके बाद संवेदी न्यूरॉन तथा संवेदी तंत्रिका, यानी जो हमारे संवेदी कोशिकाएं हैं या संवेदी जो न्यूरॉन्स हैं, वो प्रतिवर्ती क्रिया को क्या करते हैं, संवेदी अंग से लेकर आगे के मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। इसके बाद सहसंबंध न्यूरॉन। तो जो हमारे संवेदी न्यूरॉन है, ये देखिए संवेदी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से प्रतिवर्ती क्रिया संवेदी न्यूरॉन के पास तक पहुंचती है, और संवेदी न्यूरॉन के बाद दूसरे न्यूरॉन यानी सहबंधक न्यूरॉन उपस्थित होते हैं,
तो ये संवेदी न्यूरॉन प्रतिवर्ती क्रिया को सहबंधक न्यूरॉन तक पहुंचाती है। इसके बाद क्या होता है, अगला अंग है हमारा चालक न्यूरॉन तथा चालक तंत्रिका। तो जब संवेदी न्यूरॉन हमारा स्पाइनल कॉर्ड मेरुरज्जु तक वो संवेदी क्रिया को पहुंचा देता है, संवेदी न्यूरॉन के बाद सहबंधक न्यूरॉन जो कि मेरुरज्जु या सुषुम्ना स्पाइनल कॉर्ड में उपस्थित होते हैं, ये संवेदी सहबंधक न्यूरॉन में, क्योंकि आपको पता है मेरुरज्जु प्रतिवर्ती क्रियाओं का केंद्र होता है, तो जैसे ही इसको जो है यानी सूचना मिल मेरुरज्जु को जो है मेरुरज्जु के पास प्रतिवर्ती क्रिया पहुंचती है तो तुरंत ही वो मस्तिष्क को संदेश दे देता है, और देने के बाद क्या होता है कि जो चालक तंत्रिका तंत्र है उस यानी ये यहाँ तक आती है, ये मेरुरज्जु का भाग है और प्रतिवर्ती क्रिया चालक तंत्रिका तंत्र द्वारा प्रेरित होकर के हमारे पेशी कार्यकर अंग तक पहुँचती है। देखिए इधर से ये प्रतिवर्ती क्रिया जा रही थी और ये इधर से रिटर्न होती है, तो जो पेशी कार्यकर अंग है उसमें प्रतिवर्ती क्रिया को यानी करने के लिए उस अंग को प्रेरित करती है। तो पेशी कार्यकर अंग यानी हाथ की जो पेशियां हैं उस कार्य के लिए जो है बिल्कुल रेडी होती हैं और कार्य को संपादित करती हैं। तो कार्य क्या संपादित होती है कि जैसे ही संवेदी अंग के द्वारा त्वचा के द्वारा गर्म का आभास होता है, वैसे ही वो गर्म की जो प्रतिवर्ती क्रिया है यानी गर्म की जो आभास है वो संवेदी तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता हुआ संवेदी न्यूरॉन तक पहुंचता है। संवेदी न्यूरॉन उस प्रतिवर्ती क्रिया उस क्रिया को सहबंधक न्यूरॉन के पास ले जाता है और सहबंधक न्यूरॉन मेरुरज्जु के द्वारा संचालित यानी प्रेरित होकर के चालक तंत्रिका तंत्र तक लाता है। चालक तंत्रिका तंत्र उस क्रिया को कार्यकर अंग तक पहुंचाते हैं जिससे हाथ की पेशियां उस प्रतिवर्ती क्रिया के प्रति यानी गर्म बर्तन से हाथ को दूर हटा लेती हैं। तो इस पूरे मार्ग को जो पूरा मार्ग इसमें कार्य किया, इस पूरे मार्ग को प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। तो आपको पता है कि जो प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं और जिन पर मस्तिष्क का किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। इतना भी पीछे पढ़ करके आए हैं, अब आगे बताते हैं आपको कि जो हमारा मेरुरज्जु होता है, मेरुरज्जु है ये दो भागों से मिलकर बना होता है। देखिए ये मेरुरज्जु का भाग है, स्पाइनल कार्ड है जो कि पृष्ठमूल अधरमूल ये दो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, यानी दो जो है स्पाइनल तंत्रिका यानी सुषुम्ना से प्रत्येक स्पाइनल तंत्रिका यानी मेरुरज्जु तंत्रिका दो मूलों या मेरुरज्जु तंत्रिका से दो मूलों के रूप में निकलती है। पहला है आपका संवेदी तंतुओं से बना हुआ पृष्ठ मूल, क्योंकि ऊपर के हिस्से में संवेदी आवेग पहुंच रहे हैं इसलिए ऊपर का हिस्सा जो है ये संवेदी तंतुओं से बना हुआ पृष्ठ मूल यानी डॉर्सल रूट होता है और नीचे का हिस्सा जो है ये चालक तंतुओं से बना हुआ अधर मूल होता है, क्योंकि ऊपर के हिस्से से संवेदी आवेग जाते हैं और नीचे के हिस्से से यानी अधर मूल से ये चालक वाला हिस्सा है यानी ऊपर वाला हिस्सा संवेदी अंग त्वचा के द्वारा संवेदनाओं को ग्रहण करके संवेदी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संवेदी न्यूरॉन अब तक पहुंचते हैं। संवेदी न्यूरॉन से ये सहबंधक न्यूरॉन तक पहुँचते हैं। इसके बाद जो हमारा मेरुरज्जु के जो दो मूल यानी दो मूल होते हैं, दो मूल रूप होते हैं, उनमें से पृष्ठ मूल संवेदी तंतुओं से बना और नीचे का जो अधर मूल है ये आपका चालक तंतुओं से बना हुआ होता है, यानी ये चालक यानी उस क्रिया के प्रति जो है रिस्पॉन्स देने के लिए जो है चालक का काम करता है नीचे का जो मूल होता है। तो इसमें क्या है कि संवेदना प्राप्त होने पर यानी जब संवेदना प्राप्त होती है यानी जो संवेदना के प्राप्त होने पर आवेग की लहर, आप यहाँ पर एक शब्द पढ़ा था आवेग, क्योंकि जब संवेदना प्राप्त होगी तभी आवेग उत्पन्न होगा।
तो संवेदना प्राप्त होने पर आवेग की लहर जो है, आवेग की लहर पृष्ठ मूल से होकर, यानी आवेग की लहर, यहाँ पर संवेदना प्राप्त हुई और इस संवेदना की जो आवेग की लहर है ये पृष्ठ मूल से होकर जो है, पृष्ठ मूल, हाँ यानी पृष्ठ मूल से होकर के पृष्ठ मूल गुच्छक में स्थित न्यूरॉन तथा उसके एक्सॉन में होती हुई सुषुम्ना के दूसर द्रव्य में पहुंचती है। तो ये पूरा भाग पीछे भी पढ़ चुके हो एक्सॉन न्यूरॉन, क्योंकि इस ये मेरुरज्जु के अंदर तंत्रिका तंत्र है, तो ये पृष्ठ मूल से यहाँ इस हिस्से में पहुंचता है और पहुंच करके ये क्या करता है, आवेग जो है ये आवेग ज्यों का त्यों चालक प्रेरणा बनकर, यहाँ पर ज्यों का त्यों जैसे था वैसे ही चालक प्रेरणा यहाँ बन जाता है, क्योंकि अधर मूल का जो हिस्सा है ये चालक तंतुओं से मिलकर के बना होता है। तो जो हमारा संवेदना आई थी वो यहाँ पर चालक प्रेरणा बन जाती है और ज्यों की त्यों रहती है, लेकिन चालक यानी कार्य करने के प्रति सक्रिय हो जाती है, यानी चालक प्रेरणा बनकर के प्रभावी अंग में पहुंचता है, क्योंकि जिस अंग से कार्य करवाना है उस अंग तक ये संवेदना चालक तंतुओं से होती हुई पहुंचेगी। तो प्रभावी अंग तक पहुंचता है, प्रभावी अंगों की पेशियां तुरंत क्रियाशील हो जाती हैं। तो जैसे जब ये प्रभावी यानी चालक संवेदना आती हुई यहाँ तक आती है तो प्रभावी अंग की जो पेशियां, यहाँ पर हाथ जो है, हाथ की पेशियां प्रभावी अंग का कार्य करती हैं, तो हाथ की जो ये पेशियां हैं जिन्हें कार्यकर अंग कहते हैं, और ये क्या होती हैं, प्रभावी हो जाती हैं, यानी उस काम को करने के लिए तुरंत क्रियाशील होकर के क्या करती हैं, कार्य को गति प्रदान करती हैं, यानी कार्य को करना संपादित करती हैं। संवेदांग से लेकर अपवाहक अंग तक के इस प्रकार के पथ को, यानी इस संवेदांग से लेकर के, यह संवेदांग था, इस संवेदांग से लेकर के इस अपवाहक तक के पथ को प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्च कहते हैं। तो इसी के साथ आज का आपका प्रतिवर्ती चाप रिफ्लेक्स आर्च समाप्त होता है। आप इस प्रतिवर्ती चाप का सुंदर सा चित्र भी बनाओगे और ये डेफिनेशन और इसके इम्पॉर्टेंस, बॉडी पार्ट्स, इसके जो अंग हैं, इसमें सहायक अंग हैं, उनके भी आप नाम अच्छे से लिखोगे।